भाई इतने में तो आपको स्कॉर्पियो की क्लासिक मिल जाएगी 17 लाख। कंपनी जो रेंज क्लेम कर रही है उतनी गाड़ी दे देना तो मजा ही आ जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। भाई अभी हूँ मैं टाटा मोटर्स के शोरूम में और ये अपनी नई वाली टाटा की पंच ईवी है भाई। तो ईवी को आज इसका हम लोग टेस्ट ड्राइव लेने वाले भाई कि गाड़ी मतलब कैसी है। टाटा ने जो इस ईवी को बनाया है जो कि लॉन्च हुआ है, गाड़ी आज ही लॉन्च हुई है शोरूम में, तो आज हम लोग भाई चला के देखेंगे भाई कि जो ईवी टाटा ने जो अभी बनाया है जिसकी अगर एक शोरूम प्राइस की पहले बात की जाए तो 14 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। वही अगर ऑन रोड प्राइस तो ये आपको टॉप एंड वेरिएंट 17 लाख के आसपास चल जाती है। तो भाई इसे आज हम लोग चला के देखेंगे भाई कि गाड़ी में क्या क्या दिया गया है और गाड़ी इस रेट पे जस्टिफाई होती है कि नहीं। तो चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इसके टेस्ट राइड को एंजॉय करते हैं। सबसे पहले अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए ना, तो इसमें जो टाटा जो रेंज दे रही है मतलब फुल चार्ज में गाड़ी आपकी 420 किलोमीटर के आसपास चलेगी और इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड्स वगैरह भी मिलते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको वही वायरलेस नेविगेशन वगैरह, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ मिलेगा। इसकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना काफ़ी बड़ी दी गई है और यहाँ पे भाई जो पैनल्स है ना पूरे टच के दिए गए हैं, मतलब कोई भी फिजिकल बटन वगैरह नहीं है, पूरा टच करो और इन्जॉय करो। जैसा कि नेक्सॉन की फेसलिफ्ट में आती थी, टाटा हैरियर वगैरह में आ रही है, सब में भी यही फीचर आ रहा है। कीज़ की अगर बात की जाए तो जैसा कीज़ आपको इसमें देखने को मिलता है, टाटा का लोगो, लॉक अनलॉक बूट के लिए और DRL के लिए। वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलता है। ड्राइविंग मोड्स भी आपको दिए हुए हैं, अपना पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड्स। यहाँ पे भाई अभी गाड़ी चला रहे हैं, मैं अभी थोड़ा जहाँ पे खाली स्पेस होगा ना वहाँ पे इसे ट्राई करूँगा क्योंकि गाड़ी अभी नई नई है। थोड़ी सी नई गाड़ी चलाने में थोड़ा सा वो लगता है ना, अंदर से थोड़ा डर टाइप का लगता है। नेविगेशन वगैरह भी इसमें आपको आपका मतलब एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले सपोर्टेड, नेविगेशन वगैरह सब कुछ आप लोग देख रहे होंगे और इसे आप वहाँ से कंट्रोल वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। जो इसका जो स्क्रीन है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, मतलब इसमें टच वगैरह, एम्बिएंट लाइट वगैरह भी सब कुछ आती है। तो चलिए भाई अभी गाड़ी को चला के देखते हैं कि भाई गाड़ी में क्या क्या दिया गया है। बैटरी क्या किलोवाट आवर आ रहा है इसमें? 35 किलोवाट आवर। किलोवाट 8 आवर्स है ना इसका चार्जिंग नॉर्मल चार्जर से, और फास्ट चार्जर अगर लगाया तो 3 से 4 घंटे में हो जाएगी। 3 आवर्स में आपका हो जाएगा कंप्लीट चार्ज। जितना किलोवाट का बैटरी पैक है उसे डिवाइड बाय आपको जितना किलोवाट का चार्जर है। अगर मान लीजिए 35 है तो आपका वही 7 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
कार है ना, तो इसमें कोई भी आपको साउंड वगैरह नहीं आती है, मोटर और आपका बैटरी पे ही पूरा खेल चलता रहता है, तो पोल्यूशन वगैरह भी नहीं होती है, और सरकार इस पे छूट वगैरह भी दे रही है। मतलब रजिस्ट्रेशन में अगर आप इलेक्ट्रिक कार का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो ना ईवी व्हीकल्स का, तो उसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिलता है। बाकी भाई अगर आप डीजल पेट्रोल में वही जाते हैं तो भाई बहुत तरह की बाहर से आपको साउंड वगैरह आती है, इंजन नॉइज़ वगैरह होती है, लेकिन इसमें कुछ भी वैसा नहीं है। और ये गाड़ी भाई मतलब जैसे कि टाटा की पंच है ना, तो ये थोड़ी सी मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो इसे आप सिटी में भी अपना आराम से ड्राइव कर सकते हो, और अगर कुछ ऐसा कंडीशन आता है जैसे विलेज एरिया साइड पर जाते हो तो उसमें भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी काम करती है। 420 किलोमीटर की रेंज है तो भाई काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले भाई मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मतलब टाटा की पंच जो ईवी आई है उसमें क्या क्या दिया गया और गाड़ी में क्या क्या चेंज हुआ है। मतलब पंच आपने देखा होगा पेट्रोल में, सीएनजी में, अब इसका ईवी वेरिएंट आ गया, तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है 17 लाख के बजट में, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो फ्रंट से भाई गाड़ी को जैसे दिखती है, मतलब टाटा जितनी गाड़ियां बना रहा है ना काफी प्रीमियम बना रहा है, उसकी डिजाइन मतलब क्या ही बताऊं। जैसे आप ये करें DRL का फीचर जो आप देख रहे होंगे, ये DRL हो गए और इंडिकेटर दोनों का इसी में, इसमें DRL आपको ये भी मतलब ये पूरा है ना ये पूरा ग्लो करता हुआ दिखेगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाड़ी मतलब टाटा जितनी गाड़ियां अभी बना रहा है ना, मतलब अपनी सेगमेंट की जो गाड़ी वो लॉन्च कर रहा है वो इतनी प्रीमियम कर रहा है कि अभी और भी कंपनीज को उसका कंपटीशन में लाने में बहुत अभी टाइम लगने वाला है, क्योंकि भाई टाटा अपनी गाड़ियों पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहा है। टाटा की आप नेक्सॉन ले लो, टाटा की पंच ले लो, पंच तो अभी CNG में भी आ गई, पेट्रोल में भी आ गई, अब टाटा ने पंच को EV में भी निकाल दिया। तो ये भाई आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा इसमें आपको DRL देखने को मिलता है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे टाटा का लोगो दिया हुआ है लेकिन ये क्या है, तो यहाँ पे भाई इसका चार्जिंग पोर्ट आता है, जिसे आप अंदर से आप वो करोगे ना तो वो चार्जिंग वाली खुल जाएगी। इसमें आपको दो टाइप का चार्जर मिलेगा, एक फास्ट चार्जिंग और एक नॉर्मल। नॉर्मल चार्जिंग आपको गाड़ी के साथ ही मिलेगा, लेकिन फास्ट चार्जर आपको घर पे इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, जिसके लिए 50,000 के आसपास आपको पे करने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी गाड़ी मतलब जल्दी चार्ज हो जाएगी, 2-3 घंटे में चार्ज फुल हो जाएगी, नहीं तो अगर आप नॉर्मल चार्जिंग से कर रहे हो तो 7-8 घंटे जो भी एस्टिमेट टाइम है वो मिलेगा। इसकी अगर बैटरी रेंज की बात की जाए ना, तो आपको ये टाटा जो क्लेम कर रही 420 किलोमीटर के आसपास ये आपको रेंज निकाल के देगी। अगर आप गाड़ी अच्छे से चला रहे हो तो 400 किलोमीटर तो आराम से देगी, तो और क्या चाहिए भाई, 14 लाख की गाड़ी है, 400 किलोमीटर की रेंज दे रही, आप कहीं भी इससे कवर कर सकते हो। लाइट्स वगैरह की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको
इसका लाइट देखने को मिलेगा। ये आपको पूरी एलईडी दी गई, ये आपका फॉग लैंप हो गया। फॉग लैंप में भाई ये खासियत है कि ये कॉर्निंग फॉग लैंप है, मतलब जिस साइड मैं अपनी टायर करूंगा ना उस साइड ये ऑन हो जाएगी। और यहाँ पे भाई एयर वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है, इंजन वगैरह ठंडे रहने के लिए। यहाँ पे इसका टोइंग वगैरह का दिया हुआ है। पंच ईवी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, टाटा अपनी गाड़ी में इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो यहाँ पे भाई टाटा ने 360 डिग्री कैमरा के लिए प्लेसमेंट दे दी है, जिससे आप 360 डिग्री कैमरा का पूरा आनंद ले सकते हो। ये साइड भी आपको सेम एलईडी लाइट्स के प्लेसमेंट देखने को मिलेंगे। एलईडी लाइट्स का सेटअप हो गया, यहाँ पे फॉग लैंप हो गई, ये आपका एयर वेंटिलेशन के लिए हो गया। तो ये भाई कुछ फ्रंट प्रोफाइल गाड़ी की आपको देख सकता हूँ। अब आती है भाई टायर प्रोफाइल की, भाई टायर क्या मिल रहा है क्या। तो इसमें भाई अपोलो के टायर आपको मिलेंगे, 16 इंच के टायर्स, साथ ही में कुछ ऐसे एलॉयज आपको इसमें देखने को मिलेंगे, एलॉयज नेक्सॉन में और इसमें, मतलब थोड़े सिमिलर ही एलॉयज टाटा भी सब गाड़ी में दे रहा है। लेकिन भाई ये पंच में खास ये बात है कि यहाँ पे आपको डॉट ईवी की बैजिंग देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्मल पंच में नहीं मिलेगी, वो पेट्रोल सीएनजी वगैरह मिलेगा। ओआरबीएम्स की बात की जाए तो ओआरबीएम्स में आपको यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर देखने को मिलेगा। साथ ही में आप सोच रहे होंगे ये क्या है भाई, तो ये है भाई 360 डिग्री कैमरा के लिए। साइड में भी आपको यहाँ पे कैमरा दिया गया ब्लैक पियानो फिनिश में इसके ओआरबीएम्स में। यहाँ पे कुछ भाई ये कुछ साइड प्रोफाइल आती है अपनी टाटा पंच ईवी की, तो साइड प्रोफाइल वगैरह आप लोग देख सकते हो। ऊपर के साइड आपको इसमें रूफ रेल वगैरह सब कुछ मिलेगा, सनरूफ वगैरह सब कुछ दिया गया है, मतलब कुछ भी कमी नहीं छोड़ी गई है। मतलब अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो तो आपको सब कुछ मिलेगा। साइड में भाई यहाँ पे टाटा जैसे अपनी हर गाड़ियों में भी लिख के ला रहा है 50 लाख यूनिट उसने सोल्ड किए भाई, तो वो भाई लिखना बनता है। रियर के साइड भी भाई आपको इसमें रियर डिस्क ब्रेक वगैरह मिलेंगे, एलॉयज वगैरह आप लोग देख सकते हैं। अब बात आती है भाई रियर प्रोफाइल की, पीछे से गाड़ी कैसे लगती है। तो पीछे से भाई पंच जैसी अपनी पहले आती थी अभी भी वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या चेंज हुआ है, चेंज हुआ है डॉट ईवी, ये इसमें चेंज हुआ भाई। तो ये कुछ इसका रियर प्रोफाइल है, टाटा का लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कैमरा का प्लेसमेंट दिया गया, पंच ईवी की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे भाई एलईडी आपको टेल लैम्प देखने को मिलेगा, हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिलेगा, और ये बैकलाइट दी गई है। नीचे के साइड अगर पार्किंग सेंसर्स की बात की जाए तो आपको इसमें दो पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे, एक किधर और एक किधर। बाकी ये रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी, पीछे के साइड आपको इसमें रियर वाइपर देखने को मिलेगा, रियर डिफॉगर देखने को मिलेगा, स्टॉप लैम्प देखने को मिलेगा, साथ ही में ऊपर के साइड आपको इसमें शार्क फिन एंटीना देखने को मिलेगा। लोकल फोर वोकल की बैजिंग आपको टाटा की हर गाड़ी में दिख रही है भाई, क्योंकि टाटा अपनी हर गाड़ी में लोकल फोर वोकल की बैजिंग डाल रहा है। तो ये कुछ इसका रियर प्रोफाइल होगा। रियर में नीचे एक साइड आपको एक रिफ्लेक्टर वगैरह मिलता है, और बम्पर वगैरह कुछ ऐसी दी गई है। बूट को भाई एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया, जस्ट क्लिक करना है बूट आपकी खुल जाएगी। काफ़ी बड़ा बूट स्पेस भाई इसमें दिया गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरी अभी अंदर लोड है बूट एकदम। साथ ही में आपको यहाँ पे एक पार्सल ट्रे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो इसमें आपको सब कुछ कंपनी की तरफ से ही मिलेगा, बाहर से आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको लाइट वगैरह मिलेगा, और ये हैंडल दिया गया है भाई इसे बंद करने के लिए, लेकिन हम लोग देसी लोग हैं, देसी लोग डायरेक्ट ऐसे ही बंद करेंगे। बंद हो गई ये बूट, तो ये तो वही हो गई गाड़ी की बाहर बाहर से कि गाड़ी में क्या क्या दिया गया। स्पॉइलर वगैरह मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। यहाँ पे आपको ये रूफ रिल्स वगैरह हो गया, ब्लैक पियानो फिनिश ये दी गई है, जिसके कारण गाड़ी की जो कलर है ना वो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी सबका अलग अलग प्रेफरेंस है, लेकिन मेरे को अच्छी लग रही है। अब भाई इसके इंटीरियर मैं दिखाता हूँ कि इंटीरियर में टाटा ने क्या क्या दिया है इस बार। तो इंटीरियर के लिए सबसे पहले कीलेस एंट्री वाली कार है, कीज गाड़ी के अंदर है। तो चलिए भाई इस गाड़ी को चला के देखते हैं कि गाड़ी में कैसा परफॉर्मेंस है, और इसकी जो रेंज वगैरह है। इसमें जैसे कि तीन ड्राइविंग मोड्स आते हैं, सिटी, इकोनॉमी एंड स्पोर्ट्स मोड, तो तीनों मोड्स को भी हम लोग चेक करेंगे, मतलब कि गाड़ी में क्या आउटपुट आता है। वैसे तो ये खाली जगह एक फील्ड है, तो इसी में हम लोग देखेंगे इसकी रेंज वगैरह में क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सेलरेशन पे, और क्या इसमें रीजनरेशन जैसे कि जो कि बैटरी आपकी चार्ज होती है वो क्या सीन है भाई। तो अभी इसमें 224-223 की रेंज दिखा रही है गाड़ी अभी सिटी मोड में। सिटी मोड इसका डिफॉल्ट मोड है भाई, मतलब अगर आप इसे चेंज करेंगे तब आपकी वो चेंज होगी, लेकिन सिटी मोड इसका डिफॉल्ट रहता है। बाकी इकोनॉमिक और स्पोर्ट वो आप चेंज करके अपना लगा सकते हैं गाड़ी में। तो गाड़ी भाई काफ़ी लाइट है, इसका स्टेयरिंग है ना, मतलब गाड़ी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है और जो इसकी स्टेयरिंग का रिस्पांस है काफ़ी अच्छा है। मतलब इसमें जो टाटा का लोगो ग्लो करता हुआ आता है ना, काफ़ी प्रीमियम फील देता है गाड़ी को चलाने में। और स्टेयरिंग वाइज सही बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मतलब थोड़ा सा भी आप स्टेयरिंग को इधर उधर करोगे ना वो चेंज हो जाएगी। साथ ही भाई इसमें आपको पैडल शिफ्टर देखने को मिलता है। बाकी तो भाई गाड़ी चलाने में काफ़ी लाइट है, और गाड़ी में कोई भी अंदर में मतलब केबिन में कोई भी नॉइज़ नहीं आ रही है। बैटरी का भाई यही फायदा है, इलेक्ट्रिक कार्स का यही फायदा है। बाकी गाड़ी को भाई जैसे कि ये जो फील्ड है ना थोड़ी ऊंची नीची भी, तो सस्पेंशन भी इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब उतना ज़्यादा जर्क वगैरह महसूस नहीं हो रहा। सस्पेंशन जो इसका दिया होगा ना वो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट साइड है और ना ही ज़्यादा वो हार्ड टाइप है, मतलब बीच में एक लाई कर रहा है। तो ये गाड़ी में मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और गाड़ी की जैसे कि 421 किलोमीटर की जो रेंज है ना वो तो भाई हाईवे पर ही टेस्ट होगी कि गाड़ी एक्चुअल में कितना देती है। फिर भी कितना भी कम देगी तो 350 के आसपास दे ही देगी। और भाई इसमें आपको तीन ड्राइविंग मोड देखने को मिलते हैं। गाड़ी अभी अपने स्पोर्ट्स मोड पे लगी हुई है। इसका जो बाय डिफॉल्ट मोड होता है ना वो सिटी मोड होता है, अभी हम लोग इसे इकोनॉमिक मोड में चेंज करेंगे। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट ड्राइव मोड
एक्टिवेटेड। तो ये भाई इसमें तीनों मोड चेंज करके मैंने आपको दिखा दिया। इसके कंट्रोल्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स, सीक्वेंस, सिटी मोड तो बाय डिफॉल्ट रहता है। यहाँ पे आप पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ऑटो होल्ड का फंक्शन देखने को मिलता है। वायरलेस चार्जर वगैरह हो गई। और इसमें भाई इंटीरियर में जितने चीज चाहिए थे ना, सब चीज भाई टाटा ने दिया है। तो कैसी लगी भाइयों आपको ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर और किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।